But killing it till date, you know, the day this movie released, tab se leke ab tak jo gadar machi hui hai cinema gharon mein, we'll get to see that ab apne gharon mein when this releases on the 4th of November, that is a Saturday, 8 PM. And isse pehle ki main aap logon se yahan baat cheet karwaun, we have a surprise for you, because we have these wonderful people who've been performing all evening. Anjali aur Kanchan kidhar hai, jaldi aao. So we've selected these two people, they're going to welcome you. Jaldi aao, daud ke aao. Can we have the music? Because Anjali aur Kanchan yahan pe in dono ko welcome karne wale hai, theek hai? Tumhara pura gang kidhar gaya? You guys had said, na come, run ya guys. Jaldi aao. Utkarsh, I know you guys have been performing across the country. Aapko bada sara pyar mil raha hai. Lekin ye surprise na, bada dhansu hai. Yes, yes. Aur isse pehle ki inka group hame join kare, what would you like to say? Zee Cinema, world premiere. It's like nostalgia, you know. Badi picture-on ka intezaar karte the hum hamesha. To, sabse pehle, good evening. Aur aap sabne theater mein to jo gadar machaya hai, उसका तो मैं क्या ही कहूँ. मैं बस इतना कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, और जिंदाबाद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान भारत माता की. तो अब टीवी पे भी आ रही है गदर, 4th November, 8 PM. तो कैसे हो आप सब? So, जैसे उत्कर्ष ने कहा, गदर 2 ने थिएटर्स में तो गदर मचा दी, अब बारी है टीवी की. जी सिनेमा पर आ रही है, तो बस वहां पर भी गदर मचा देना आप सर. I am sure. और मनीष जी, आपकी आवाज के हम सब दीवाने हैं, आपकी अदाकारी के हम सब दीवाने हैं. एंड एज यू सेड कि यू नो, अमरीश पुरी साहब, ऑफ कोर्स वो आइकॉनिक कैरेक्टर, उसको आप एक कदम लेके गए हैं आगे गदर 2 के साथ. आपकी कोशिश को जनता ने इतना प्यार दिया कि जी सिनेमा पे इतना इंतजार हो रहा है. क्या बोलना चाहेंगे इन सबको? एंड दैट वन डायलॉग यू हैव टू यू नो से इट फॉर अस. सबसे पहले प्रणाम आदाब. और इन्होंने कहा 8 बजे, इन्होंने कहा 4 तारीख को, मैंने कर कहा शनिवार, लेकिन इन्होंने कहा कि पहले लाइन बोल दी हिंदुस्तान जिंदाबाद, पहले ही भांडा फोड़ दिया, वरना मैं बोलने वाला था कि मेरी जमीन मेरे पाकिस्तान में खड़े होकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे. सुन कर लिए तुम लोगों ने हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान भाइयों पर, आओ. लेकिन मेरा भी दिल यही कहता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, और हिंदुस्तान जिंदाबाद. सर क्या कर रहे हो? मतलब this is the energy that we all have been talking about. Utkarsh, you'd like to add something to that? वो क्या है ना, मेरे पापे ने, जो मेरे पापे हैं, इन्होंने इनके इतने चीथड़े उड़ा दिए कि पाकिस्तान जनरल भी हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है. About and अब मैं आप तीनों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग स्टेज पे जाएं. जैसा मैंने कहा, सिमरत ये ना बड़ा कमाल का डांस कर रहे हैं और आपको वेलकम करने के लिए ऑल सेट हैं, तो हो जाए ऑन दैट स्टेज. वुड वांट यू टू, अरे वाह, वी हैव अ सीडी यहां पे. We have these wonderful friends media से जो यहाँ पे आए हैं आपको thank you बोलने के लिए, इस कमाल की फिल्म के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए. But again, you know, this is something unique. This is as unique as this movie. ये टैंक के बारे में थोड़ा सा मेरे को बताओ. ये टैंक पे करीब 2 महीने गुजारे हैं हम सब ने, और मतलब इससे तो सिमरत है तो अंदर में भी गुजारे हैं. एंड क्या था, अहमदनगर में हमने टैंक के साथ शूटिंग की थी. करीब 50 डिग्री का टेम्परेचर रहता था, डे नाइट यही टैंक पे बैठे रहते थे. मेरे और सनी सर की तो आधी बातचीत ही इस पर होती थी. एंड बहुत मेहनत की है सबने इस फिल्म को, गदर बनाने में. और बाकी तो पब्लिक है अपनी,
हिंदुस्तानी पब्लिक है गदर को जिंदाबाद कर दिया ना एब्सोल्युटली सिमरन दिस वन्स फॉर यू प्लीज टेल अस यू नो टॉकिंग अबाउट द रिस्पांस ऑफ कोर्स वी हैव सीन द मूवी इन द थिएटर्स अब वेट कर रहे हैं घर पे आने का जी सिनेमा पे आने का तो ये जो रिस्पांस है और मतलब शुरुआत में इतना सारा प्यार तो कितना ओवरवेलमिंग था आपके लिए या हाउ वाज इट हाउ डिड यू टेक इट ऑल इन इसको मैं एक ही वर्ड में बोलूंगी कि लोग मुझे सिमरत के नाम से जानते ही नहीं है लोग मुझे सिर्फ मुस्कान के नाम से जानते हैं तो आई थिंक इससे बड़ा सक्सेस हो नहीं सकता किसी भी एक्टर के लिए कि लोग उसको उसके कैरेक्टर के नाम से जानते हैं सो या और ये जो टैंक का एक किस्सा है आई थिंक जितने भी हमारे जवान हैं जो टैंक में रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा सैल्यूट है बिकॉज जब आप इसके अंदर चले जाते हो ना इसमें सिर्फ इतनी सी जगह है आपको बैठने के लिए और उसमें आपको वॉर लड़नी है तो वो बहुत डिफिकल्ट है इतनी गर्मी में अंदर इतना सफोकेशन होता है तो बिग चीयर्स फॉर जो हमारे जवान जो टैंक्स चलाते हैं अमेजिंग बहुत खास बात बोली है तो भारत माता की भारत माता की एब्सोल्युटली मनीष सर फॉर यू यू नो माना दूसरी टीम से थे आप देखिए दो दो माइक मिल रहे हैं इससे ज्यादा प्रिविलेज कहां मिलेगी दूसरी टीम से थे बट व्हेन यू सी दिस टैंक हियर व्हेन यू सी ऑल दिस जनता हियर विद ऑल द लव व्हाट डू यू हैव टू से मैं जानता हूं कि जनता का मन होगा कि ये टैंक में जाएं और देखें क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था जब शूटिंग चल रही थी तो मुझे टैंक पर नहीं चढ़ना था बट टैंक को तोड़ना था तो टैंक के ऊपर मैं गया अंदर जाकर देखा जो इन्होंने बताया सच में इतनी सी जगह है ये इतनी सी जगह जिसमें आप बैठ सकते हैं दैट्स इट उसके बाद एक बंदा है जो उसको फॉलो करवाता है जो देखता है उतने में से कांच में से सच में हैट्स ऑफ है इन सबको जो ये हम तो यहाँ खड़े हैं और वो वहाँ खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं सच में हैट्स ऑफ और जो दो महीने जैसे इन्होंने कहा कि हम लोग मिट्टी में और जब ये उड़ता है और जब ये चलता है जो उसकी साउंड है आप मुझे लगता है यहाँ खड़े होकर आप उसको मतलब झेल ही नहीं सकते हैं मतलब झेलने वाली बात कह रहा हूँ मैं आपसे उसके बाद उसको स्टार्ट करने के लिए कितना कितना डीजल लगता है कितना एक ही बार में आई थिंक कितना 17 लीटर एक बार में बोल रहे हैं स्टार्ट करने पर लुक जाता है इतना यानी एक सेकंड में लग जाता है आप मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि टैंक है आपको ये पता होना चाहिए जो मुझे पता चली बाकी आप लोग देख ही चुके हैं कुछ लोगों ने देखी है कुछ लोगों ने जिन्होंने नहीं देखी है जी सिनेमा पर प्लीज़ देखें मैं फिर से दोहराऊंगा 4 नवंबर को सैटरडे को 4 बजे लवली 8 बजे लवली 4 नवंबर रात 8 बजे शनिवार को राइट वर्ल्ड टीवी प्रीमियर आपके अपने जी सिनेमा पे देखने को मिलेगा एक चीज जिसकी बात नहीं करी तो मुझे नहीं लगता ये इवेंट पूरा हो पाएगा दैट सीन बिटवीन द टू ऑफ यू जब आप एक दूसरे के सामने हो जी है ना और जब उत्कर्ष वहां पे है और आप बिल्कुल वो ओवरपावर टाइप्स कर रहे हो वो क्या चल रहा था उस समय खुद कितना जोश था अंदर या कितनी एक दूसरे के लिए घृणा थी यार सबसे ज्यादा जोश ये था कि 1 घंटा मिला था वो सीन करने के लिए एग्जैक्टली और ये बंदे ने जो उसमें काम किया है जो ये सच में पानी में जाना जो पानी में जाने की प्रैक्टिस करना उसके लिए हमें 15 मिनट लगे और सीन हमें 45 मिनट्स मिला क्योंकि ये आदमी ने जो सांस रोका है अंदर क्योंकि मैं तो निर्दयी सिगार पीने में लगा हुआ था लेकिन ये इस उत्कर्ष को सच में हैट्स ऑफ है जो बंदे ने अंदर जाकर परफॉर्म भी किया है उसके बाद भी वो मुंह में खून लेना था साथ में कि खून निकलता है और वो सारी चीज़ें हैं और हमारे पास सिर्फ 45 मिनट्स थे उसमें लाइंस भी बोलनी है परफॉर्मेंस भी करनी है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था और घृणा तो फिर इन्हें हो ही गई थी मुझसे एग्जैक्टली उत्कर्ष फॉर यू यू नो गोइंग थ्रू ऑल दिस क्या है मनीष जी इतने भले इंसान हैं हम लोग साथ में डिनर किया करते थे तो बड़ा डिफिकल्ट था इनके साथ एक एंटागनिस्ट की तरह फील करना बट क्या है कि एक बार आप हिंदुस्तानी वर्दी पहन लेते हैं और सामने ऑपोजिशन टीम का बंदा आ जाता है तो फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो ही जाता है और उसमें हम जीत ही जाते हैं जैसे इस बार भी जीते हैं मुस्कान आप एक मुस्कान पास कर रहे हो हल्ले मच जा रहे हैं यहाँ पे मतलब कमाल कर रहे हो एक्चुअली क्या है ना इनकी शायरी बड़ी फेमस है शायरी से इसका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन बनता है ना तो मैडम आपका जो हुस्न है आपका जो हुस्न है क्या हुस्न होगा ताज का आपका जो हुस्न है क्या हुस्न होगा ताज का वैसे तो सब नाम जानते हैं आपका फिर भी बता दीजिए नाम क्या है आपका अल्लाह की अदा
फूलों की जान कहते हैं, अल्लाह की अदा फूलों की जान कहते हैं, जनाब इस हुस्न को। बहुत बढ़िया, सही जा रहा है हमारे देश का यूथ। तालियां इन लोगों के लिए। अब बोलो मेरे साथ, भारत माता की। लवली। चार तारीख यहाँ पर आपस में इंटरेक्शन कर रहे थे कि क्या हुआ था, और यहाँ कुछ और ही चल रहा है। बताइए सर, ये कोई बात होती है? ये सीन हो रहा है, बताइए। इसीलिए जनरल साहब गुस्सा होते हैं, यही रीजन है। अभी अभी वी विल हैव अ क्विक फोटो ऑप फॉर ऑल यू वंडरफुल पीपल, और उसके बाद एक सरप्राइज परफॉर्मेंस जो इनको भी नहीं पता है। वी विल डू दैट।